नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मुझे मेरे सर ने सुनाया था, जहाँ से मैं कंपटीशन कोचिंग करता था और तब मेरा सिलेक्शन इस लोको पायलट पद पर या एएलपी पोस्ट पर नहीं हुआ था। अगर उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो शायद मैं भी इस काबिल नहीं होता कि ये स्टोरी आप तक पहुँचा सकूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो क्या होता है, एक बार एक शिक्षक अपने कुछ विद्यार्थियों को लेके सहारा रेगिस्तान पहुंचते हैं। तो वो जैसे ही रेगिस्तान पर पहुंचते हैं तो वहां पर बोर्ड लगा होता है जिस पर एक चेतावनी लिखी होती है कि यहां से बालू ले जाने वाला भी पछताएगा और जो नहीं ले जाएगा वो भी पछताएगा। तो 10-12 बच्चों का ग्रुप था, उनमें से आधे बच्चों ने बालू उठा ली, कुछ बच्चों ने थोड़ी उठाई, कुछ बच्चों ने ज़्यादा उठा ली, और कुछ बच्चों ने मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी दिखी उन्होंने उतना उठा लिया। और कुछ बच्चों ने सोचा, जब इसमें चेतावनी लिखी है कि जो ले जाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं ले जाएगा वो भी पछताएगा, तो कुछ बच्चों ने वो बालू उठाई भी नहीं। जब वो लोग रेगिस्तान घूम के आ गए, घर आए, तो उन बच्चों ने जो ले के गए थे उन्होंने बालू छानी तो उसमें से सोने के कण निकले। तो जो कम ले गया था वो पछता रहा था कि काश थोड़ी और ले लेते, जो नहीं ले गया था वो पछता रहा था कि काश जितनी सब ने ली थी थोड़ी ही ली थी उतनी हम ले लेते, और जो सबसे ज़्यादा ले गया था वो भी पछता रहा था कि काश थोड़ी और ले लेते। तो उसके बाद हमारे शिक्षक ने बताया कि जो ये शिक्षा है वो वैसे ही है, जो पढ़ रहा है वो भी आगे चल के पछताएगा कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, और जो नहीं पढ़ रहा है वो भी पछताएगा कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, और पढ़ने वाला ये पछताता है कि शायद थोड़ा और पढ़ लेते तो अच्छी पोस्ट पर हो जाता। तो इससे बस बेसिक यही है इस कहानी की कि अगर आपको पछताना ही है तो पढ़ के पछताइए, हो सकता है आपकी किस्मत में पढ़ने के बाद लिखा हो। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छे जुनून से लगिए, और वैकेंसी नहीं भी हैं उन पर अच्छे से पढ़ाई करके सफल बनिए और अपना अच्छा जीवन बिताइए। ऐसा नहीं कि जो सरकारी नहीं है वो अच्छा जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, लेकिन अगर आपका सपना है सरकारी बनने का तो आप पढ़ाई बिल्कुल मन लगा के करें, और हो सकता है वैकेंसी बहुत जल्द आ भी जाए तो उस पर अपना सिलेक्शन लें। धन्यवाद।